तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये कूलर का किट फैन मोटर है जो चल नहीं रहा है, चलने पर घुड़ घुड़ की आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, इस पर सप्लाई देके इसको चेक करेंगे। तो हम इसको सप्लाई में मेन सीरीज में लगा के चेक करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों ये घुड़ घुड़ की आवाज़ कर रहा है, ये चल नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये इसका ये चारों बोल्ट खोलेंगे। तो यहाँ से हल्का हल्का यहाँ से मारिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस बोल्ट को ही खींच लेंगे, तार अंदर कर दीजिएगा, यहाँ से निकल जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों ये जो इसका बुश होता है ये बुरी तरह से कट गया है। यहाँ से देखिए राड इसको बुरी तरह से कट गया है, इसलिए इसमें चाल हो गई है, इसलिए वो घुमा नहीं पा रहा है दोस्तों। तो इसको हम इसका ये बुश बदलेंगे और ये राड बदलेंगे। यहाँ से मारिएगा, ये आगे निकल जाएगा। ये बुश भी ख़राब हो गया है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। तो अब इसको हम ये रिपीट निकाल के दोस्तों इसका बुश चेंज करेंगे, इसका भी चेंज करेंगे, और ये पूरा राड, इसका राड अलग से आता है, इसको निकाल के इसको चेंज करके तो हम ये दोनों बुश और ये राड लगा को दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत बने रहेगा दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये सुम्मी से इसको रिपीट निकालेंगे, बारी बारी छः रिपीट होती है, तो छः को बारी बारी निकालेंगे और ये निकाल को इसमें बुश एडजस्ट करेंगे। ये देखो ये बुश, ये नया वाला बुश इसमें लगाएंगे और ये गद्दी लगाएंगे, वो आयल सोखती है, और ये स्प्रिंग लगाएंगे ऊपर से, ये कवर लगा के इसको कवर लगा के ऊपर से, और इसका हम इस रिपीट करेंगे। ये बारी बारी सभी में रिपीट करेंगे तो ये बैठ जाएगा दोस्तों। ये अल्मीनियम की रिपीट आती है, तो छः में ऐसे लगा के आप बारी बारी इसको रिपीट कर देंगे दोस्तों। ये हो गया, देखो बारी बारी सब में लग गई है, ये बुश चेंज हो गया। अब इसका रॉड चेंज करेंगे, तो ये रॉड ऊपर निकालेंगे, पहले इसे ऊपर मारिएगा तो ये निकल जाएगा, और इसमें नया वाला रॉड जो है वो लगाएंगे। ये नया वाला रॉड इसमें लगा के इसको बैठाएंगे दोस्तों। ये यहाँ से हल्का हल्का मारिए, जितना राड को लगाना है उतने पर बैठा देंगे। तो दोस्तों ये राड भी लग गया है और इसका बुश जो ख़राब था वह भी चमज गया दोनों में का, ये रिपीट काट के लग गया है दोस्तों। अब इसको सेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें ये वाला वार्सल लगा लीजिएगा, इधर लग गया और इधर भी लगा देंगे। ये लगा होता है ताकि ये रूटर आगे पीछे ना हो। उसके बाद दोस्तों इसमें जो गद्दी होती है, जो इसमें भरपूर आयल दे देंगे, इसमें भरपूर आयल दे देंगे, एकदम तर कर देंगे आयल से, थोड़ा इस पर राड पर दे देंगे दोस्तों। जो वायर वाला है ये पीछे रहेगा और ये जो आगे रहेगा दोस्तों, तो इसमें अब डाल देंगे दोस्तों। और ये वाला इसमें डाल के इस वायर को इसमें डाल देंगे, इसमें डाल के निकालेंगे दोस्तों, डाल के इसे बिठा लेंगे दोस्तों। इधर से ये इधर से निकल जाएगा, इधर से ये लगा टाइट कर देंगे बोल्ट को, बारी बारी सब लगा देंगे दोस्तों, इसको टाइट कर देंगे।
चारों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट हो गया और ये फ्री हो जाएगा दोस्तों। अब इसका दोस्तों हम इसका कनेक्शन करेंगे, तो एक काला वाला और एक लाल वाला ये ज्वाइंट कर देंगे। जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, कैपेसिटर एक लाल वाले पर रहेगा और ये काले वाले पर रहेगा। दोस्तों ये जो दो दो ज्वाइंट है, ये वाला पावर रहेगा, ये नहीं पावर रहेगा। तो चलिए इसको दोस्तों चेक करते हैं। तो सीरीज पर हमने लगा दिया दोस्तों, तो दोस्तों चलने लगा। मेरा दोस्तों स्टार्ट हो गया। दोनों बुश चेंज कर दिया, दोनों कट गया था रॉड इसका, जो ये रॉड भी कट गया था, इसको भी चेंज कर किया और ये एकदम ओके हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।